हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ पास्ता की टेस्टी एंड सुपर इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है जिसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी के थोड़ा गर्म होने पर मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है, 2 चम्मच। मेरे चम्मच छोटे हैं इसलिए मैं 2 कर रही हूँ। और अब हमने इसमें पास्ता ऐड किया है और अब हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। पानी के बॉईल होने पर मैंने गैस बंद कर दिया है और अब इसी गर्म पानी में मैं अपने पास्ता को अच्छे से बॉईल होने के लिए रहने दूंगी। देखिए, मेरा पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है और अब हम इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। ठीक जी, हम पास्ता को ड्रेन कर लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, उसमें ऑयल और इसमें हमने डाली है हरी मिर्च। यार आप कोई सी भी मिर्च डाल सकते हो, मतलब लाल भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 2 प्याज ऐड कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हो और आप अपने प्याज की शेप कैसी भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको ज़्यादा बारीक काटने हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेरे प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मैंने अब यहाँ पे टमाटर लिए हैं, मैंने 3 टमाटर चॉप किए थे। आप अपने वेजीज यार अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मतलब अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा और कम पसंद है तो कम। मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है, नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मेरी चम्मच छोटी है, इसलिए यहाँ पर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको येलो पास्ता नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हो। फिर मैंने धनिया ऐड करी है 2 चम्मच। उसके बाद हम इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मुझे ना शिमला मिर्च पसंद है तो मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे। आप अपने मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखना। मेरी वेजेस अच्छे से पक चुकी हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैगी मसाला भी यूज़ कर रही हूँ। हम पास्ता को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे अजीनोमोटो भी थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। हम उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हर जगह से अच्छी तरह से पका लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करा है क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और अच्छी तरह पका रही हूँ। मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया अच्छे से और अब मेरा पास्ता रेडी है। गाइस, ये बहुत टेस्टी था, आप इसे ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये मैंने सबसे ईजिएस्ट रेसिपी बताई है आपको। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्ला 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 ब्ला, हाँ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बस वही मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना और इसे घर में ज़रूर ट्राई करना यार। इस रेसिपी को ट्राई करो और इन्जॉय करो। बाय।